अम्बा माँ परम्बा माँ भवानी इस चराचर जगत की स्वामिनी हैं, पृथ्वी को उत्पन्न करने वाली हैं, चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा करने वाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली हैं। माँ परम्बा ने स्वयं कहा है दुर्गा सप्तशती में देवी भागवत में कि जितने भी जीव हैं जगत में, जीव हैं, जंतु हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सभी देवी देवता वो मैंने उत्पन्न किए हैं, मुझसे सारा जगत है। और ये जो ये पाठ करता है उसके मैं सारे दुखों का अंत करती हूँ, उसकी सब समस्या का समाधान करती हूँ। आकाश पे रहने वाले कीटाणु, पाताल पे रहने वाले कीटाणु, जल में रहने वाले कीटाणु, कितने भी भयंकर से भयंकर कीटाणु हैं, कोरोना से भी भयंकर है, वो मैंने उत्पन्न किए हैं। और ये जो पाठ है, ये जो तीनों संध्या पाठ करता है, बाने स्वयं इसके बारे में कहा है और करोड़ों लोग इसके प्रमाण हैं कि जो इसका पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार की बाधा में नहीं आना पड़ता। और माँ ने यहाँ तक भी कहा कि ये कोरोना भी मैं ही हूँ, मुझसे जगत है, मुझसे सब बना है, और मैं जब चाहे इन्हें हटा सकती हूँ, जब चाहे इन्हें समाप्त कर सकती हूँ। जो इसका पाठ करेगा उसे सब ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। माँ ब्रह्मा ने सिंपल सा सरल सा तीन चार चीज़ें बताई हैं कि इसको कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को, अष्टमी को आप सबने माँ दुर्गा के चरणों में, मंदिर में, अपने घर में, ये सब कुछ आपका है, सब आपने बनाया है, हमें सब आपने दिया है, हमें जानवरों से निकाल के आपने में मानुष की जोनी में डाला है, वो सब आपका है। आपने जैसा कहा है कि जो मुझे दुर्गा सप्तशती में लिखा भी है, किले को आप सभी पढ़ा भी करें, ये इसकी मेन चाबी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती है। तो इसके कीलक अध्याय में मान स्पष्ट कहा है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है कि हे माँ सब आपका है और आपका प्रसाद मुझे ये मिला है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, स्पष्ट लिख दिया। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पार करता है वही सिद्ध होगा, उसी को लाभ मिलेगा, वही देवी का पार्षद होगा, वही गंधर्व होगा, सर्वत्र विचित्र रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, दुख नहीं आएगा, अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी मुक्ति होगी, वो 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा। जो ऐसा करेगा उसे संसार के सारी सिद्धियां मिलेगी, इसके प्रसाद से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, पर मोक्ष की सिद्धि होती है। इतना सरल है, भगवान शिव कहते हैं इतना सिंपल सा है, आधे घंटे का सुबह शाम दोपहर पाठ, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो है समर्पण दुर्गा माँ का, अब पत्नी है समर्पण करती है पति को, तो पति का सब उसी का ही है, डॉक्टर को करेगी, राष्ट्रपति को करेगी, प्राइम मिनिस्टर को करेगी, सरकार को करेगी, तो सरकार के अधिकारी हैं, सरकार उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा समर्पण है वो भगवान कृष्ण का, माँ राधा का, दुर्गा का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये एक ही है, इसको किसी को भी कर लो। तो अगर आप सच में जो समर्पित कर देता है इसके सामने लिखा है उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, होगी नहीं, आप जो मर्जी लगे रहो वो प्रसन्न नहीं होगी, आपके काम नहीं होंगे। भले कि आपने कामना की 1 करोड़ की तो आपको ज़्यादा 1,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, करोड़ भी मिल गया तो जो आपको यश कीर्ति सुख आएगा वो नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कहते हैं उस पर देवी प्रसन्न नहीं होगी,
अगर आपकी प्रसन्नता नहीं है तो सीधा मतलब दुर्गा प्रसन्न नहीं है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, रोना है। बीज मंत्र पाठ करके क्यों नहीं होते, क्योंकि आप आगे लिखे देखो, इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा प्रतिबंध कानूनी कील ठोक दिया कि कोई दुनिया की ताकत इसको उठा नहीं सकती। अगर आप ये समर्पण नहीं करोगे तो संसार का कोई आदमी, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, कोई आदमी है, उस पर देवी प्रसन्न नहीं होगी। इस प्रकार स्रोत को महादेव ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, शिव ने, दुर्गा ने कीलित कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया।